अमृतसर के पास अटारी में खत्म एनकाउंटर, मूसेवाला पर गोली चलाने के आरोपी रूपा और मंजीत समेत चार गैंगस्टर ढेर। गांव में पुरानी हवेली में छिपे थे बदमाश। नुहू में खनन माफियाओं के खूनी खेल के बाद रांची में पशु तस्करों ने महिला दरोगा को कुचलकर मारा। गुजरात के आणंद में ट्रक वालों ने ली ट्रैफिक कांस्टेबल की जान। अवैध खनन को लेकर गंभीर सरकार, मीटिंग में मुख्यमंत्री के अफसरों को अभियान चलाने के निर्देश। अधिकारियों की मिली भगत पर बोले सीएम, ऐसे अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ हो कार्रवाई। दिल्ली दरबार तक पहुंची लखनऊ की लड़ाई, अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिनेश खट्टी के इस्तीफे की पेशकश, कहा दलित होने के चलते हुई अनदेखी। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा हलफनामा। मामला बड़ी बेंच में जाने का आसार, अब 1 अगस्त को हो सकती है अगली सुनवाई। सोनिया गांधी से कल ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ, कई नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कल कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। लगते श्रीलंका के कमान अब रानिल विक्रमसिंघे के हाथ, 134 वोटों के साथ जीती सत्ता पर कब्जे की लड़ाई। नई सरकार के सत्ता संभालते ही राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन। मेयर के औचक निरीक्षण ने खोली हेरिटेज निगम की पोल, 400 में से 350 कर्मचारी मिले नदारद, गैर हाजिर अफसरों कर्मचारियों को दिए जाएंगे नोटिस। भरतपुर के बसोपा में साधु संतों का धरना, विजय बाबा ने लगाई खुद को आग, अस्पताल में जारी इलाज। पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद टावर से उतरे नारायण दास बाबा। अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार पर आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला, पुलिस आरोपी गौहर चिश्ती को कड़ी सुरक्षा के बीच लाई घर, 22 जुलाई तक रिमांड पर है गौहर।